प्रेम की भावना जग नहीं पाती, इस कारण से वो लोग ऐसे बोलते हैं। और जिनके अंदर प्रेम की भावना जगती है, डिलिस्टिंग को लेके आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक यूथ हैं, पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों में? अच्छा लग रहा है, और इस साल के लिए हम लोग पूरा वेट करते हैं। जो क्रिसमस का त्यौहार होता है साल के अंत में होता है, दिसंबर के महीने में होता है, पूरा साल भर का त्यौहार है और हम लोग को बहुत खुशी होता है इसपे। जी मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं हाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग हमारे वहाँ पे आए हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन है, कुछ लोग मुस्लिम है, हिंदू है, सारे लोग। आप हम क्रिश्चियन है, भी रांची से ही है और हम हिंदू है। आज 25 दिसंबर 2023 है और 25 दिसंबर 2023 जैसा कि क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और यह शांति का पर्व है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची में, और रांची में तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्रिसमस की कितनी धूमधाम से आज रात 12 बजे की जो है प्रभु ईसा का जन्म हुई है और उसके जन्मदिन पे क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज को लेके या क्रिसमस को लेके क्या कुछ कहते हैं, आइए हम यहाँ जानते हैं। चर्च के बीचों बीच है, लोग देख रह सकते हैं कि तस्वीरें अपनी ले रहे हैं और क्रिसमस को मना रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं, आइए लोगों से हम जानने का भी प्रयास करते हैं। जी मैम, आज प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है, क्रिसमस का त्यौहार देख रहे हैं आप लोग, हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और इस साल के लिए हम लोग पूरा वेट करते हैं। जो क्रिसमस का त्यौहार होता है साल के अंत में होता है, दिसंबर के महीने में होता है, पूरा साल भर का त्यौहार है और हम लोग को बहुत खुशी होता है इसपे। और स्पेशली मैं चूँकि वर्किंग हूँ तो मुझे ये छुट्टी का टाइम होता है और क्रिसमस के मतलब त्यौहार में हर किसी से मिलना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं? मैं चिरौंदी रांची से आई हूँ। अच्छा, चिरौंदी रांची से, क्या नाम? सीमा अनीता। सीमा जी, सीमा जी, क्रिसमस का जो त्यौहार है, प्रभु ईसा मसीह का संदेश जो है उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? चूँकि ये जो होता है क्रिसमस का त्यौहार जो होता है यीशु मसीह का जन्म दिवस पर होता है, और किसी के जन्म दिवस पर हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। अगर घर परिवार में देखें किसी का बर्थडे आता है तो बहुत धूमधाम से उसको मनाया जाता है। तो हम सब मसीही विश्वासियों का ये मानना है कि जो हमारे ईसा मसीह है वो हमारे जगत में आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने वो कार्य किया, मतलब लोगों को एक होता है ना कि लोगों को अपने विश्वास के साथ बढ़ाना और लोगों में अपना प्रेम बांटना, तो ऐसा माना जाता है कि वो जगत में हमारे लिए आए, हमारे प्रेम के लिए आए, जगत के प्रेम के लिए आए, तो इसलिए ऐसा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि अभी जो है जिस तरह खबरों में देखने को मिला है कि डिलिस्टिंग का मामला अभी चला है, आप जान रहे होंगे। ये डिलिस्टिंग का मामला और प्रभु ईसा मसीह ईसाई से क्या कनेक्शन है कि लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं? तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि लोगों में वो भावना नहीं जग पाती है, प्रेम की भावना जग नहीं पाती, इस कारण से वो लोग ऐसे बोलते हैं। और जिनके अंदर प्रेम की भावना जगती है, जो संदेश ईसा मसीह दे कर गए हैं इस दुनिया में, वो अगर समझ पाते हैं तो लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। अच्छा, सेंटा क्लॉज जो है आज रात में स्पेशल माना जाता है, वो कैसे क्या? सेंटा क्लॉज एक बोलते हैं ना काल्पनिक एक आधार माना जाता है, जो क्रिसमस के त्यौहार पर आते हैं और लोगों को गिफ्ट देकर जाते हैं, तो गिफ्ट पाने से लोगों में खुशियाँ आती है। आप लोग को गिफ्ट मिली? अभी तो मिली नहीं, लेकिन हम लोग खुद सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट देते हैं। अच्छा, आप लोग दिए? हाँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो हम लोग जैसे होता है ना क्रिसमस गैदरिंग होता है, तो सेंटा क्लॉज बन के हम लोग छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बच्चों में बहुत खुशियाँ मतलब बढ़ती है। बच्चों में खुशियाँ देते हैं आप? हाँ, खुशियाँ देते हैं और वो संदेश देते हैं कि बच्चों में वो संदेश आए कि लोग आगे जाके मतलब लोगों को वो गिफ्ट दे, लोगों की मदद करे ताकि लोगों में खुशियाँ बने। एक मदद की भावना? मदद की भावना। कहाँ के शिक्षक हैं? मैं लोहरदगा अपग्रेड हाई स्कूल चरू की टीचर हूँ। शुक्रिया आपका। तो तस्वीरों में देखें कि किस तरह से लोग कितने एक्साइटेड होते हैं और पूरे साल का इंतजार करते हैं क्रिसमस त्यौहार को लेके, और क्या कुछ कहते हैं यूथ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्रिसमस को लेके क्या कुछ कहती हैं। इस वक्त तस्वीरों में देखिए काफ़ी यूथ भी है इधर। छोटे भाई, दो मिनट आओ। ये क्रिसमस का त्यौहार पूरे एक्साइटमेंट के साथ मना रहे हो, क्या कुछ कहोगे लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है बस। सेंटा क्लॉज आए थे आपके पास देने? नहीं। अच्छा, आप सेंटा क्लॉज बन के बच्चों के बीच में कुछ बांटे? नहीं नहीं।
तो ये क्रिसमस का त्यौहार जो है वो बोला ऐसा है कि खुशियों का त्यौहार है, शांति लोगों को में खुशी बांटी जाती है, तो ऐसा तो आपको भी करना चाहिए जी। कहाँ से हैं आप? करना चाहिए, हम धनबाद से हैं। ऐसे धनबाद से? हाँ। अच्छा, आज यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ कराची का माहौल? कराची का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं ऐसा माहौल हम। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। अकेले आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? दोस्तों के साथ आए। दोस्तों के साथ आए हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इन्हें, दोस्तों के साथ आए हैं, पहली बार आए हैं और अच्छा लग रहा है रांची का ये क्रिसमस का त्यौहार। थोड़ा सा इधर आइएगा बाबू। आप क्रिसमस आप लोग सीएस कर रहे हैं, बहुत अच्छा खुशियों से मना रहे हैं और प्रभु ईसा का जो है संदेश बच्चों में दे रहे हैं, लोगों में दे रहे हैं, सेंटा क्लॉज बन के बच्चों में खुशियां बांट रहे हैं। आज रात प्रभु यीशु का जन्म भी हुई है और जन्म के उपरांत आज जो है सो क्रिसमस आप लोग मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि क्रिसमस मतलब खुशी का त्यौहार है, हम सबको मिलजुल कर खुशियाँ आपस में बांट कर मनानी चाहिए। आज रात में यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है, तो सारे लोग परिवार के साथ आएँ और खुशियाँ मनाएं। तो आज रात में प्रभु यीशु का जन्म भी हुई है क्या? जी हाँ जी। तो सेंटा क्लॉज आप बने थे या फिर आपको कोई गिफ्ट दिए? गिफ्ट दिए हमारी फ्रेंड्स, हाँ गैदरिंग हमने किया और सीक्रेट सेंटा बनकर सब आए और गिफ्ट्स एक दूसरे को हमने दिया फ्रेंड्स। बच्चों के बीच में बांटे या जो भी मिले? बच्चों के बीच में भी और आपस में भी सारे दोस्तों ने हमने गिफ्ट एक्सचेंज किया। देखिए प्रभु यीशु जो है शांति के दूत कहे जाते हैं, हैं भी, और एक चूंकि प्रभु यीशु का जब बात जब हो और शांति की बात ना हो और क्रिसमस का त्यौहार हो तो क्रिसमस के त्यौहार में जाहिर सी बात है कि शांति। लेकिन लोगों को जो आप जो संदेश देंगे कि अभी जो डिलिस्टिंग का मामला चल रहा है, लोग पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, इस चीज़ को लेके आप कितना क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रिसमस जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हाँ ये शांति का त्यौहार है, तो इस फेस्टिवल को हम लोगों को जितना हो सकता है कि मिलकर मनाएं ताकि आसपास शांति का जो मैसेज है पीस का वो हम आसपास फैलाएं। जो भी है सारे रिलीजन के लोग इनफैक्ट इसको मिलजुल कर मनाते हैं, सिर्फ क्रिसमस क्रिश्चियन ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग, तो एक तरह से ये शांति का ही मैसेज देते हैं। आप क्रिश्चियन हैं या क्या? जी मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं हाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग हमारे वहाँ पे आए हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सारे लोग। आप? हम क्रिश्चियन हैं। कहाँ से? हम खूंटी से हैं। खूंटी से? हाँ हाँ, खूंटी में भी तो सेलिब्रेट होता है वहाँ? होता है, पर फिलहाल अभी हम लोग रांची में ही रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो फिर यहाँ आए। हाँ, यहाँ से यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग स्पेशली यहाँ का क्रिसमस गैदरिंग देखने फेमस है। जी हाँ जी हाँ। तो यहाँ लोकेशन का नाम क्या है? ये आपका जेवियर के पास मेन रोड में ही आता है। आप मुस्लिम हैं फिर भी आप जो है सो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं, और आप लोग सिस्टर आप कहाँ से हैं? नहीं, हम भी रांची से ही हैं। हाँ। और हम हिंदू हैं। हिंदू हैं? हाँ। तो अभी जो डिलिस्टिंग का जो मामला चल रहा है ये आप लोग जान रहे हैं? जी जान रहे हैं। तो डिलिस्टिंग को लेके आप लोग क्या कहेंगे, चूँकि आप एक यूथ हैं, पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों में? बस जो भी है अपना अपना कल्चर, अपना अपना रिलीजन है, बट आपस में हम लोगों को बस एक होके रहना है, एक होके रहना। हाँ। यानी कि आप जहाँ हैं जो मान रहे हो मानिए। हाँ, अपना अपना रिलीजन खुद फॉलो करिए, बट जो आपस में हम लोगों को बॉन्ड है वो एक अच्छा होना चाहिए, आपस में एक होना चाहिए एज ए इंडियन। यस, देखिए मेरे पास हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमारे साथ आज जुड़ के रहे हैं, उन्होंने कहे कि डिलिस्टिंग का जो मामला है जो अभी देखने को मिल रहा है वो आपस में मिलजुल के रहें, और क्रिसमस का त्यौहार, खुशियों की त्यौहार सालों भर इंतज़ार करते हैं, आज ये 25 दिसंबर का 24 दिसंबर रात की इंतज़ार करते हैं और क्रिसमस त्यौहार को बखूबी बहुत बेहतरीन ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, और सारे लोग इस सेलिब्रेशन में का हिस्सा बनते हैं, सेंटा क्लॉज बन के बच्चों में टॉफ़ी बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि चाहे वो डिलिस्टिंग का मामला हो चाहे जो भी हो, सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है और सब लोग अपना धर्म मनाए, लेकिन क्या है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जिसका इच्छा है वो वहाँ जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे मैं हिंदू हूँ मुसलमान बन जाऊँ, सिख हूँ ईसाई बन जाऊँ, या फिर मुसलमान हिंदू बन जाए, ये सारा होते रहता है परिवर्तन, लेकिन आपस में आप लोग जो है सो बिल्कुल मिलजुल कर रहे, और यही क्रिसमस त्यौहार का एक संदेश होता है कि आपस में मिल बांट के रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से
रहिए। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जोहार।